हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूपी एएनएम, यूपी जीएनएम, सीएनपीटी, जो भी इन सब का ना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, तो रिजल्ट को आपको चेक कहाँ से करनी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको अभी सर्च करना होगा यूपी एएनएम का जो है, यहाँ पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर की गई ना, तो अभी आपको क्लिक कर देनी है इस पर सीपीपी एनईटी रिजल्ट, उसका भी वही बात है, वही बात है। तो आपको जो रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा 28 दिसंबर को, आज के दिन ही, आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फिलअप करनी है, अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करनी है। इससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस मिलते रहेंगे, तो आप जो है गेट फ्री काउंसलर पर जरूर क्लिक करें। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। आप जो रिज़ल्ट चेक करना चाहेंगे ईजिली, यहाँ पर यहाँ से क्लिक हेयर पर क्लिक करके, मतलब आप जब सर्च करेंगे तो यूपी एनएम या फिर यूपी जीएनएम दोनों चलेगा, टाइप करके सर्च करेंगे और लास्ट में आई एस पर जो टाइप करके सर्च करना, ठीक है। अब जब इस पेज पर आ जाते हैं तो लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टाइप करना और यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करके लॉगिन कर देना है, ठीक है। जब लॉगिन कर देते हैं तो आपका लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, आपको रिजल्ट अपना दिख जाएगा, कितना मार्क्स, कितना क्या है, सब कुछ यहाँ पर इजीली देख पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप पासवर्ड भूल गए, बहुत होते हैं जो पासवर्ड इतना दिन तक थोड़ी याद रखते हैं, कुछ कुछ होते हैं भूल जाते हैं, या कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं जो अगर नहीं भूलना रहता, मोबाइल में सेव करके रखते, मोबाइल में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुका है या फिर कुछ कुछ भी हो गया, पर पासवर्ड आप पता नहीं आपको, तो क्या करेंगे आप, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके फॉरगेट कर देंगे, या फिर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से पासवर्ड चेंज होता है, पासवर्ड आपको याद ही नहीं है, आप चेंज क्या करेंगे, पहले याद ही नहीं है, तो पहले याद वाला जो है वो क्लियर कर दें। तो रजिस्टर जो ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी तो आपको याद ही रहना चाहिए, ईमेल आईडी यहाँ पर आप टाइप करेंगे और फिर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये कैप्चा टाइप करनी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं JZ जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो टाइप करने के बाद गेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आपके फ़ोन नंबर जो जिस पर भी मेल किया जाएगा या फिर टेक्स्ट मैसेज आपके फ़ोन नंबर की वजह से, फिर आपको पासवर्ड आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर आप एग्जैक्टली फिर से लॉगिन आप करेंगे और अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।